आज फिर किसी भी कम बख्ती है। इंज लगता है पहली बार परत पुरचो लंघ रही है, नहीं तो मुंह लुकाउन की बजाय वखा के लंघ दी। पिंड के मालिक से परौने प्यो बन के मिलते ने चौधरी। जैसी तेनू एक रात दे जवाई बन के मिल पे हैं ते फिर की होया? याद रखी बंगश, बलोच पुचाल बर्दाश्त कर जाते ने, बेगैरती बर्दाश्त नहीं हो करते। एहो जिहा गैरतमंदा नू बेबस ते बेहिस करके मारना साडा खानदानी पेशा ही नहीं, साडे भरा दा हुक्म ही है। लड़ो दी धी नू। तू नहीं बचदा। ना जालमा को हिसाब कौन लवेगा? मेरे तीनों छोड़ दो, छोड़ दो मेरे तीनों, छोड़ दो। बंगश होन इस कतल ते मेरी ती तो शुरू होन वाली कहानी का अंजाम वेखे अब तक। हर बच्चा बेड़िया पाके जवान होता है, जे आजाद हो जाए ते भरतपुर किसे मां का बच्चा जवान ना हो सके। ते जे तू इना पैरा ते मेरी धी वापस ना कीती ते अपने बेगैरत प्राण नू गोली ना मारी, रब दिसा तेरी नस्ल इच कोई मां पुत्तर ही नहीं जमेगी। जे गल देख लावा तेरी मदद लाई मेरे पिंड कौन आता है, जाए साडे जुलम दी है कहानी हर बार चपवा दो। टेडी आपने आज का अखबार पढ़ा? क्यों बेटा, कोई खास खबर है क्या? गांव से गुजरते हुए एक लड़की छीन ली गई और उसके बाप को कत्ल कर दिया गया और किसी ने कुछ नहीं किया। क्या भरतपुर में कोई कानून नहीं? डैडी अगर यही सलूक मेरे साथ होता तो क्या आप कुछ ना करते? यस जस्टिस करम बख्श बोल रहा हूं। हुक्म सर। आपने आज का अखबार पढ़ा? जी। मुझे वो मजलूम लड़की और मुलजिम अदालत का वक्त खत्म होने से पहले पहले अपने सामने चाहिए। अन्ना छोटा अफसर मेरे कॉलेज पहली बारी आया है, तुसी बुलाया है? मैं बंगश दे अस्पताल नू लैण आया हां जेड़ा बलोचा दी कुड़ी नू कैद करके बैठा है। ये आर्डर जस्टिस करम बख्श ने कीता है ते बड़ा सख्त कीता है। एक जिम्मेदार और बावर्दी पुलिस ऑफिसर के साथ क्या हुआ आपने सुन लिया मिस्टर आईजी?
जिस कानून के होते हुए एक मां के सामने उसकी बेटी एक अय्याश आदमी की कैद में हो और वो कानून उस आदमी के थप्पड़ खाकर वापस आ जाए, तो ऐसे कानून के लिए अब सिर्फ एक कब्रिस्तान चाहिए आईजी साहब। ये अदालत आपसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहती है, जो कानून भुट्टो जैसे आलमी लीडर को तख्तेदार तक ले जा सकता है, वो कानून भरतपुर पहुंचकर इतना बेबस क्यों हो जाता है? इस तरह बेबस हो जाता है योर ऑनर, इसके खौफ से मैंने लोगों को दिन को रात और रात को दिन कहते हुए सुना है योर ऑनर। अदालत आलिया के अंदर फायरिंग ना काबले माफी जुर्म है योर ऑनर, लेकिन ऐसा ना करता तो आपको किस तरह पता चलता कि भरतपुर में शराफत इतनी बेबस क्यों है? कौन हो तुम? ना पागल हूं ना बदमाश हूं, महकमा पुलिस का सबसे दलेर और दयानतदार डीएसपी हूं मैं, लेकिन आजकल मौतल हूं मैं योर ऑनर। अगर तुम्हें भरतपुर भेज दिया जाए तो जुर्म की जड़ों में पहुंचाल आ जाएगा। तुम अभी और इसी वक्त वर्दी पहन लो। तुसी ते एवें लड़न दे बहाने लभदे हो सरताज, कदी एवें सोचे जे कि भरतपुर पहुंचने वाला कोई भी दयानतदार अफिसर कदे भी इज्जत नाल वापस नहीं आया। तू भी डर गई है जीनत? अग कोलो किन्नू सेक नहीं आंदा। याद रखी, जुल्म ते बगैरती करना इना वड्डा जुर्म नहीं जिना जुल्म ते बगैरती बर्दाश्त करना जुर्म है। अंजाम दा ते नहीं पता, पर कानून पहली बार भरतपुर पहुंचेगा। सिर्फ पेट की जुबान समझदा है, देश ले ताड़े ले देसी घ्यो तैयार किया होया सालन, देसी कनक की रोटी, देसी अचार ते नाल चाटी की लस्सी, तेरी सोच तो वध मंथली मैं तेरे कलो बलोच मां दी ती ते तेरा बद चलन ते बदकार प्रा लेके जाने पंगश ए मेरा अटल ते आखरी फैसला है। जिन्हों लेना है तेरे ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। हेलो, मेरे पराली जड़िया कड़िया तू लभ रहे हैं ओ मेरे कोल ने तेरा प्यू तेरा भरा तेरी परचाई भतीजा ते मां। तेरी मां बोल रही हूं, जे तू बंदिश की गल ना मननी थी ऐसी। चुप, की होवेगा ये तेनू मैं दसना। राम सदेव, ठीक है तू बलोचन नू ले जा ते मैं बलोचन दी थां तेरी पैर नू ले जाना। Thank you.
आजा पुत्र, एलेपरा पैसे। ये कौन चीखा? जिस सोचे तेरी दीदी चीखे जज साहब, और दीदी जिदे तू सरकारी आर्डर करके सब कुछ खोलिया, तू तेरे एक आर्डर से एक वर्दी लेके सत कफन खरीदने पैने मैनू। जदो आई जी चुप्पी आई चुप्पी, ना कोई इंसान बोलिया ना इस्लामाबाद बोलिया, फिर तू इना क्यों बोलिया कि मेरे घर च बोलने वाले सिर्फ दो मासूम रह गए ने, और कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। ना कवि के पचा दर्ज कर लवो, ना एक कवि के बड़ा जुलम होया, ना एक कवि के ऐसा क्यों होया, ना एक कवि के कल लवांगे। वो इसलिए जज साहब कि मेरे को ते मेरा अज नहीं रहा, ते कल किन्ने वेखी है, किन्ने वेखी है, किन्ने वेखी है, किन्ने वेखी है। हम अभी और इसी वक्त मौका वारदात पर जाएंगे। तारीख में ये पहले मुलजिम हैं जिनको बगैर एफआईआर के हथकड़ी लगी। हम मौका वारदात देख चुके हैं, मुद्दई का बयान सुन चुके हैं, तुम्हारी बहस भी सुनेंगे, मुलजिम का बयान भी लेंगे, लेकिन यकीन रखो न वो करेंगे जो हम चाहते हैं, न वो करेंगे जो तुम चाहते हो, हम वो करेंगे जो कानून कहेगा। योर ऑनर, यह हौलनाक वाकया बंद कमरे में नहीं बड़े बाजार में हुआ है। 24,000 इंसान रहते हैं इस गांव में। यह वाकया सिर्फ मुदई ने देखा। यह कैसे हो सकता है? जिन लोगों के सामने ये कत्ल गारत हुई वो एक एक कदम आगे आ जाए। खौफ है जज साहब, जिन्हें हर इज्जतदार ने कलिया कर दिता है, अपना कानून ना वेखना, मेरे से टुटने वाली क्यामत वेखना, मरण वाले दिया लाशा से सिर्फ पत्थरू सुट के ना टुट जाना, इंसाफ करना, इंसाफ। किसी भी वाके का अकेला गवाह हजरत अली जैसा अजीम इंसान भी हो तो मुलजिम को सजा नहीं दी जा सकती। मैं सिर्फ तुम्हारी गवाही पर इतने इंसानों को कैसे तख्तेदार पर लटका दूं? लिहाजा मेरा कानून मुलजिम अनवर खान बंगश
और उसके साथियों को बाइज्जत बरी करता है। अज एहसास होया जज साहब कि तुसे इंसाफ नहीं करते बल्कि हर बेगैरत बंगश नू अबाद दिला करन दा ऐलान करते हो। तुहानू सिर्फ मौका वारदात से जाके गरीब लोगों नू वेखन दा शौक है, अपने शौक पाले छड़ दियो जज साहब, छड़ दियो, नहीं तो इस मुल्क च सिर्फ गड्डियां ते चंदे ही लगे रहेंगे और कुछ नहीं जे रहना, और कुछ नहीं जे रहना, कुछ नहीं जे रहना। साहब जी, साहब जी, पिंड वाले ने सच क्यों नहीं बोलिया? पुत्र बंगश के खिलाफ वो बोलेगा जरा उस तो वड्डा बदमाश होवेगा। इस मुल्क का सब तो वड्डा बदमाश कौन है? पुत्र बदमाश तो इस मिट्टी ने बेशुमार जमे ने, लेकिन ना सब तो वड्डा जग्गे का होया है। ओ किस तरह? इस तरह। जहां इंसाफ न मिले वहां शरीफ माओ के बच्चे इसी तरह जग्गे बनते हैं। कसूर कर बैठी है मां सदके के एक एक करके मैनु सारे छड़ चले हो। हाय रब्बा, हुण मस्कीन बलोच दी तीनु कौन बचाएगा, कौन बचाएगा? तानू अपनिया तिया का वास्ता जे मेरी धी की इज्जत बचा लो। इसने साबित कर दिया कि जुल्म और बेगैरती बलोच बर्दाश्त नहीं किया करते। क्लैशन कोफा दे सामने मेरे पुत्र दी खलोनी ने तेनु एना ते दस ही दिता होने के भरतपुर दा जवाई एनी होना चाहिए। मैनु तेरा चैलेंज मंजूर है, जा राजा नु जदों उठी तो तू पी पी के
तो फिर ऐसे था, ऐसे मिले, ऐसे चुनाव समा करा गए लोग शीशा वेखदा रही बंगश, जिस दिन तेरे सिर चिट्टे आ गए मैं शगल लेके पहुंच जाना ही है एक बलोचन दी जेदे जेद। सरदार खान बंगश का दोनों बच्चों के खिलाफ पर्चा न कटवाना साबित करता है कि वो इन दोनों से खौफनाक इंतकाम लेना चाहता है। क्योंकि दोनों बच्चों के जुराइम और रिकॉर्ड भी खौफनाक है, लिहाजा इन दोनों को और बंगश को उस वक्त तक पुलिस के कड़े पहरे में रखा जाए जब तक कि उनके दरमियान हतमी सुलह नहीं हो जाती। मेरे दुश्मन बच्चे रिहा हुए ने कि नहीं, और नजर बंद कर देता गया बंगश, ते पक्की सुलह तक तैनू ते तेरे छह से छह पुत्रा नू नजर बंद कर दे आर्डर मेरी जेब विच ने। Oh, my God.
बुढ़ी हो गई, पुत्र तेरा जेल जवान हो गया। तेरी धी साड़ी हवालात फुल भर गई। बड़ दुख मैं रह रही कि आज भी तेरा पुत्र मेरी नस्ल मिटा दी कसम खा के सो रहा है। तेरे घर से अब एक जगह है, तेरे घर छह जगह ने वेख अल्लाह जो पंच तू वेख रही है जैसे वखा दिया ते तू सिर्फ वेख के मर जाए। इसलिए उन्होंने आप मैं जेल च रखिया है। थोड़ा तो वादा सी कि जब जगह जवान होएगा तो जीन दी शर्त दस दोगी। जे जगे नु जिंदा देखना चाहनी है ते उन्हों कहो इस अष्टांग ते अंगूठा ना देवे, अपनी जिंदगी मेरे को रह रख देवे। मैं उन्हें हथ में अंगूठे ने डाल उन्हें पैरों ने अंगूठे भी लुवा देंगी। पर प्राणा कतल मैनू सिर्फ एक सूरत बोल सकता है, या ती दे जा या अपनी होने वाली औरू दे जा जिन्हें अपना तेरे चंगे ने नाला दिता है। नहीं, या अपनी खुद दे जा। हम ते ना ती रहेगी ना ही नू रहेगी ते ना ही नजर रहेगी। तेनू क्यों जमया जगया रह गई सह। मैं ते कतल किया तू की गल बैठी सह के 12 साल बाद सामने आई है। जुलम दी एहो जी लाल हनेरी चढ़ी के हर पासे गुप हनेरा छा गया। जालम दा आखरी टिक्का खा के डिकिया तू सामने आ गया मां सदके। मां तेरे मोड़े नाल सेबो क्यों नहीं? जे मेरे मोड़े ना सेबो नु वेखना चाहना है ते इस स्टाम ते अंगूठा ला के अपनी जिंदगी सरदार खां दे नावे ला दे नावे ला दे। मैं ते समझा सा कि तू मेरे लिए जिंदगी बन के आई है, पर तू ते मेरे लिए हत्था च सैर फड़ के आई है। मां समझ ले कि मां अपने पुत्र को
अपने दूध की कीमत वसूल कर लाई है। अंगूठा ला के मेरा मान रख ले मां सुखे, मेरा मान रख ले। तेरा हुक्म सिर मत देते मां। पुत्र दे हत्था पैरों में अंगूठे लुआ के शाम ले आई है मंगश। उन्हें वादा कर लेता है कि वो सारी जिंदगी इस वेले सिर सुट के तड़े को रहन देगा। शाम इलाके दे डिप्टी नु दिया ताकि सुलहनामे ते सरकारी मोहर लग जाए, मेरे पुत्र की नजरबंदी भी टूट जाए, आजाद हो जाए, जिन्हें तो सन भी खौफ आता है। सरकारी मोहर भी लग जाएगी, पर इना याद रखी इस रोनामे तो बाद बंगश दे पंजे पुत्र आजाद हो जाएंगे। जाननी है साहब बादर, पर बंगश ने मेरे ना वादा किया है कि वो मेरे ते कोई नवा वार नहीं करेगा। तू कहनी है ते मल लेना मां साजिद। या सर। आई जी साहब नुसरानामा भिजवा के बंगश नु फोन कर दे, आज तो बाद ओदे पुत्र हर पाबंदी तो आजाद दे। शेर आजाद हो गए, बेटा की शांत आ गई, दहशत नु मर लग गए। अज जगा ही नहीं चुकिया, सारा जग चुकिया है। ऐसे नहीं तो फैसला किया जुर्म दी बिस्मिल्ला जग्गा जग्गा करने वाली नू चुक के करनी है। तेनू रखेल रखांगे। चुप कर जा। ताड़ी ते मत मारी गई है, किसी कुआरी नू रखेल रखो। मैं ते आप बाल बच्चे दार हां, ए हुणे महीना पहले ते तीसरा ब्याह है मेरा, ते चौथा मेरे नाल कर लै। मैं इस दिन दे चाणने सुहाग रात मनानी है। मेरे को रहने तेरे को शाम तक दी मोहलत है। चाह खुदा भी बुला, खुदा ही भी बुला, भावे कानून लिया भावे कुरान लिया, जी करे जगा लिया, जी करे जग लिया। मेरे अमर का अपनी इज्जत बचान ले, मैं अपना आप एक अनडिठे गैरतमंद नामे लाया। मैं की पता से कि मैं जगह जगह करती जगता तमाशा बन जाऊंगी। ये केड़े चक्के दे नामे लगी है तू? उस चक्के दा ना जिन्हें उस उम्र च बंगश दा कतल किया, जिस उम्र च बच्चे बिली तो डरते ने। वो जटा ते मैं जमे, पर तेनू दे नामे लगन दी सजा किन्ने सुनाई है? सरदार खान बंगश के पुत्र शेर खान ने। बंगश
आ मेरे नाल। डिप्टी अज बंगश के खिलाफ पर्चा भी कटवे ते मेरा बयान भी लिख ते अपने कानून दिया किताबा खोल के और दफा भी लग जिदे तहत तू बत्कार ते बच्चलन बंगश नू कुत्ते दी मात मार सके। कौन से सलाहनामे ते दरकारी मोर भी लग गई है। सरकारी मोरा वेखा या ऐस मजलूम नू वेखा जिदे बुए ते बंगश हाली भी बैठा है। ए रंगपुर दी कम्यारम ते नहीं एदा मतलब है कि तू जानने कि बंगश अजे बुए ते क्यों बैठा है। मेरा मतलब है इस कम्यारन लई अपना पुत्र क्यों कतल करवाना चाहनी है। फसला नमा ते कानून करो पुत्र वसूल करके पाकिस्तान छड़ जा। जेड़ा कानून बंगश का तल्ला बन जाए उस कानून की ऐसी भी सी अपना कानून अपने कोल रखवे और फैसला खुले मैदान ही होवेगा। तू कि शाह दे शुकरा मार रही है माई पता ही होने लगा है जे जग्गा जम के भी सिर सट के जीना ते जग्गा में खे खान ली जमे तेरे पुत्र जग्गे दे पंजी पुलिस आलियां दा पैरा ही माई। मेरा घोड़ा जान दी देर है मेरे पुत्र दिया मैदान ही जानियां वेखी वे इन्नी देर बाद आई भी है उस माई दे नाल जेड़ी साढ़े पैर चुमती रही है जग्गा किथे ही। वे तेनू मेरी आनी ने नहीं दस्या बगैरता वे जे मां मदानी चाह रही है ते पुत्र भी पहुंच जाएगा। ते फिर बाज मार माई पहले सिर्फ नक रगड़ा सी तू आज नक नक डूबेंगी। सरदार खान नु देन तो बाद ओनू कह रही है कि हुण मेरे ते मेरे प्यो दी कबर दे विकार जारी बंगश आया और मेरे आन तो किधरे शेर खान ने जगह ते नहीं मार देता। डिप्टी लगदा इस राही जगह ने शेर खान नु कतल कर दिता ही बंगश। केड़ा जग्गा किथे रे जग्गा अरे सिम जग्गा इन्हां नू कतल करन लई परतपुर दे आसे पासे फिर रहा है बंगश इस लई मैं इन्हां नू रात दे हनेरे च लै जावांगा। यकीन सी कि जग्गा अपनी आई ते जरूर आवेगा। ओ पुल
पहले ते उसी आवाज का निशाना लेके फायर खोल देना। कतल करन दी वसीयत मेरे प्यो दी होवे, दावा मेरी मां दा होवे। जानो बच गए ने, मेरा तजुर्बा कहता है कि जग्गा जेल तोड़ के आवे ही आवे। मैनू डराना चाहना है, तैनू समझा आया वहां जिनी छेती हो सकता है जग्गे नाल कलामे पाक ते पक्की सुलह कर ले, नहीं तो जग्गे ने भरतपुर का नक्शा ही बदल देना। चौधरी जी इंज लगता है जिमें तुहाडा बेड़ा गर्क होण दे दिन आ गए ने। इलेक्शन सिर ते ना होंदा ते मैं पुत्रा दे बदले जग्गे दे पिंड लाशा लाशा कर देंदा। ते इलेक्शन तक जग्गे ने एक फेरा और पा लिया तो फेर मैं उन्हूं अज ही मरवा देंगा। जा मिर्ज़ू मफरूर दे प्राण लेके आ। की गल है चौधरी, सदा ते इंज भेजे जिमें तेरी संगी उते किसे ने नौ रख दिता है, फिर की होया जे तेरे पुत्र पुलिस लै गई है। सानू तेरे इश्तिहारी भरा की लोड़ पै गई हाकू। हुक्म कर किनू वढ़ना है। ओ तो ना जगह जगह तैनू ते पता है चौधरी, मेरा भरा किसे कल्ले बंदे लई बंदूक नहीं चुकदा। खल दिमाग पति जी जिदे अखड़पन तो जेल आला मन भी डरता है। जेड़ा सानू अख भर के देखे उन्हों मैं ऐसी तरह काना करनी हूं। आउट आउट। वाह चुपरानी मूंगफली, उंगल मार के एक बाजार ही बंद कर दिता ही। जिनी छेती हो सके मेरी मंगनी कर दे चाचा, मैं ब्याह हो रहा करना है। जिन्हें मेरे हाथों से जगह दे लौदी मेरी लानी है।
क्या सी ना सरदार खां, तेरे सिरे चिट्टे आ गए ते पुत्तर दे शगन लेके पहुंच जावांगी। नो मैं वेख लईए, शगन वसूल कर ते व्याह दी तारीख दे दे। तेरी ऐसी दी कैसी नहीं, नहीं। छड़े जरा अदब नाल बोल कुड़िए, तू इस सस दे रोज राती पैर दबाने ने, ते बाल भी मेरे पुत्र दे, साल इच दो जमने ने दो। चाचा हौसला कर कुड़िए, हौसला कर, ए जुद में आप पाए देश नहीं पाए, कैदा हशर वे के हर बलोचन दी बाप फड़ के साढ़े बुए ते आवे। ओ माई, पहले अपना पुत्र ते वहा नी, पहले ओ ते वहा जिन्ने तेनू व्याने। चाचा जाके चेलान करा दे के जिस जिस तू ज्यादा व्यान का शौक है वो कोड़े ते पैके आ जाए। मैं क्या चोरी टेक के बह जा, ए मशूक नहीं मौत ही मौत। एहो जिया मशूक होवे ते मौत मौत कदों लगदी है। जे एना ही जीदारे ते भरतपुर दा जवाई बन जा। जवाई बनन दिया शर्तां दस चुदरानिए। सिर्फ एक बलोच दा फिर चाहिदा है। सिर्फ एक बलोच दा या पूरे बलोचिस्तान दा? ए कूड़ा करकट कट्ठा करके मेरे पुत्र नु मारन दे ख्वाब देख रहे हैं मंगश? वे तो किन्ना बेवकूफ ते बदबख्त है। जे ओ पुत्र है तेरा ते पुत्र वहा कोड़े ते बह के बलोचन दी बस्ती वाल मुंह कर ले। जे सिर्फ तू मेरे पुत्र तक पहुंच जाने ते एक ती तेनू बंगश देवेगा, ते एक ती है बलोचन। मुंदरी हाथ च फड़ के मेरे नाल आ जा चिदानिए। के वेखण वाले दी अख कर देनी है। सोच मैनू टेकन फारे दा अंजाम क्या होवेगा? नस जा नहीं ते कुत्ते दी मौत मारे जाएगा। मिर्जू दे भरा दी अख ते ओ कटे जिदी दहशत अगले जहान तक होवे। तू ऐस कंजर दी शह ते मिर्जू दे भरा नू काला कीता। ऐस जुर्म दे बदले च मैनू अपना कसम मनेगी या तेनू भी काला करके भेज दिया। अपना पर ओनू मनांगी जेड़ा तेरी लाश ते खलोगे मैनू मुंदरी पाएगा। जिदे खौफ तो
मूं जोर अपनिया मंगा ते मां अपने पुत्र नूं छट के नस जान ओदे सामने कौन आवेगा ओ तेरा प्यो रस्ते अजला तो एक ही दीवार आई है उस दीवार का नाम है गैरत तेरे आन तो पहले मैं ऐलान किया सी कि जेड़ा इस बगैरत की लाश ते खलो के अपना ना दसेगा ओनू मैं अपना वर मान लांगी एनी मुंह जोर एनी मुंह फटदा तू लेके मेरे नाल चल ला मिर्ज़ू मफरूर ने मेरे को मेरी मंग खोली है तेरे नाल से चंगा सी अब कोई कुत्ता पाल जया दाग लाया के सारी जिंदगी असी पंगड़ के सामने ना सिर चुक सकने ते ना ही अपने यार मानो नू मुंह बखा सकने फिक्र ना कर जमालिया ए दागे हो जा तोहांगा के बंगश लाडो आप तेरे नाल लिख जाएगा जेड़ा बेगैरत दावा करके ले गया थी ओ मिर्ज़ू मफूर की पिस्तौल लेके नस गया तेनू नाले सी ले आईया के इन्हें अपनी जान तली ते रख के मिर्ज़ू ते ओदे मफूरा कोलो मेरी इज्जत बचाई है इन्हू कूर के नहीं गर्दन चुका के देख चाचा ए भरतपुर दा होन वाला जवाई है उंदरी वाह चाचा एस माई आई नहीं जी कौन इसलिए मां भावे दुश्मन की होवे भावे सज्जन की काबले इतराम होंगी है इन्हों मां जी कहो ऐ मेरा हुक्म है मां जी ऐसे मंगनी देख के चा सेरा तैयार रख इसलिए कि इनू सेरा तू बनेगी रानिए चाचे नु कहो पहले इनू मुंदरी ते पवावे
मुबारक होवे बंगाश। अच बलोच तेरा जुआई बन गया। मलू फटी फटी कर दे। तेर नाल ना खेड़ दी ते तेनू सिरे बन के ले जाना सी। हूं तेनू कट के ले जावांगा। अगे लग नहीं एक बलोच पूरे भरतपुर नू कुत्ती बना के टुर गया। नाल लच्छे वर्गी चौधानी भी लै गया। बलोच साहब ए मैं क्या बलोच साहब एक गल ते दस्स दिओ ए चौधानी आरा हुण छिला ना के आउणा है या इस तरह ही आउणा जाणा है। ओ बलोचा बंदूकां सुट दिओ। तुहानू मैदान लाउण दीआं शर्तां दस्सां। खाली हथ नूं ते बच्चा वी गोली मार सकदा है। बंदूकां सुट दिओ वे। पत्तर दी बंदूक मैं आप खोलांगी। चो एक भी बंदा सिर्फ बंदूक चुक के वहा दे। रब की सौ पुत्र नु गोली मैं आप मार देंगी। जा पुत्र वे। अपनी सस नू अदब नाल बग्गी तक ले जा। नहीं एना तन के खोण की कोई लोड़ नहीं। बहुत रट लियो। आओ मां जी ए काम ते पी पे हो गया। और मैं अख पुट्टा ते टका मार दिया। सानू बाहर ले आ बंगोच। या सानू बम मार दे या सारे बलोच मार दे या पंगश। सनहोनी दे बदले पंगश ने की करना है। सिर्फ पंगश जाता है पर उस तो पहले इलेक्शन जीतना है। इलेक्शन जीतने लई जगेनाल कला में पाक के सुलह करना बहुत जरूरी है। कुर्सी मेरे थले आ गई ते जगते ना कोई झगड़ा रहेगा ते ना ही किसे बस्ती च कोई बलोच रहेगा। अब्बा ए सजावल किन्नू बग्गी च लैके आ रहे है। ओए पुत्र ओए जिन्हू लैन गया सी ओनू लै आया। अपनी सस नू अदब नाल थले ला। नहीं सस कादी लाला एनू वाड़े च बंद करके दिन रात बेइज्जत करना सी। हक नहीं होए
बलोच सिर ना खेलते ने इस ताना नहीं। याद रखी बलोचा हम वापस सोदे ही जाना है जगह बस्ती रह जानी है बलोच कोई नहीं रहना जे इज्जत चाहनी है ते सास नु थले ला नहीं ते ओदी नू बन के ला थले आजो मां जी और बुला बंगश दिखे बंगश पावे सतमें आसमान दी कैच भी होया ते जगे ने तेरे पैरे तोड़ के ओदे तक जा पहुंच नहीं और इंस्पेक्टर असला ते गार्दा होर मगा ले जगह तुर चले आई मां पुत्र की मुलाकात ताजा की कम है जाओ ना जाओ माशाल्लाह बड़ी दहशत है तेरी पर मैनु तेरी दहशत नहीं अपना पुत्र चाहिए ते ओ सिर्फ बंगश नाल सलाह करके मिल सकता है तो मैं सुना ओदा सिर ला के करनी है ओ तेरा दुश्मन नहीं हुण सज्जन है ते सज्जन दे सिर नहीं लाई ते पुत्रा कदी ओदी गुलाम बन के बोलनी है कदी सज्जन बन के सिर चुकानी है अजा ते दस तेरी मजबूरी ते पिछे ना ही इत्थे कोई सवाल करी ते ना ही उत्थे सिर चुकी ओ एस लई कि सुलह दी ख्वाहिश पंगश ने आप कीती है ते तेनू एस लई माफ कर देना चाहिए है क्योंकि माफ कर देना साढ़े पैगंबर की सुन्नत है ऐ क्यों भूल गई है मां कि सुनता तो पहला फर्ज पड़े जाते ने आज सुलह दे मैदान च या तू सच बोलेगी या पंगश पेट खोलेगा साहब जी जगह कित्थे वे क्यों गया जगिया अगया मेरा दूजा पैर जमीन से आन तो पहला पहला आप कुर्सी तो उठ के मेरी मां कुर्सी से बाहर सुलह करन तो पहला
कलामे पाक ते हथ रख के ना ते दस्ते के 12 साल च इस बंगश ने तेरे नाल ऐसा केड़ा जुल्म कीता है के तू स्टाम्प लेके मेरे कोल आ गई। मां सच सोच के नहीं बोलिया जांदा, मैनू तेरी चुप पिछे तूफान नू नजर आ रहे। बोल बोल मां सच की। जेड़ा सच कई सिर ले जावे इंसानियत दा खून कर देवे ओदे तलो वह झूठ बेहतर है जीनत, जेड़ा कत्लो खारत रोक देवे वह झूठ बेहतर है। बेगुनाह सच सच नो सच हो सच अब तुम्हें भी कलाम पाक पर हाथ रखकर सुना का ऐलान कर देना चाहिए। मंगश सुला दी पहली शर्त है वे कि हुण ना तेरे घरों किसे ती पुत्र दी जंज चढ़ेगी ना ही आवेगी। मैनू मंजूर है पर सुला तो पहले मैं अपने पति जी दी मंगनी बलोच नाल कर चुका वा ते ओदी जंज आनू मैं आप डक लांगा। मेरा एक पुत्र जेल च मैं ते एक पासे और रब दी भी नहीं मनता जो तेरे ते बार करे आनू मुसलमान करके दफनाना मेरी जिम्मेदारी है। सुलानामे ते अंगूठा ला दे। जगिया सुनिए करके तू फिर असला फाड़ ले। असले कि मैनु यकीन हो चले कि बलोच ते मालू नु मारन तो बाद ही सुला पक्की होनी है। तेरे कितने जान दी की लोड़े जेल आने नु खत पा दे बलोच नु कफन भेज दे तुम्हें मर जानगे। अच्छा जी ते जे तू सानू नहीं पूछेगा कि असी की चाहने हैं कैसे भी मर जाएंगे। की जानी है अखाएं चुपड़ ले। कोठे ते तेरे हुसन दा चर्चा होया है मशूक ते वाकई ओ पटे तू एक कंजरी नू एने बदजबान होना चाहिदा सी। ए कंजरी उस बंगश दी मशूक है जिदे खौफ नालो जेलां विच जेलर मर जांदे ने ते मैं उस जग्गे दी मांगा जिनू बंगश दी पूरी नस्ल ने अज चुक चुक के सलाम भी कीता है ते सुला भी। सुला किदा किदा सिर लवेगी इस गल दा तैनू उदो पता चलेगा जदो बंगश इलेक्शन जीत के पिंड पहुंचेगा। चौरी साहब तेरा नंबर पैर थले लाओ। चौरी साहब माशाला की रूप चढ़िया ताई कहने के जहाज कैप्टन लगन दिया जी।
सुलह भी हो गई है बंगश, इलेक्शन भी हो गए ने पीऊ, अब तेरे थले कुर्सी भी आ गई है, हाले तक क्यामत बर्पा क्यों नहीं हुई पीऊ। तुसी दोवे पड़ा जाओ ते बलोच दे पिंड चो अपनी पसंद दिया बलोचना लेके आओ, ते तुसी दोवे जाओ ते मेरे जशन च नचन लई जगे दी मंग चुक के ले आओ, कयामत आप पे ही बर्पा हो जाएगी। ना जावी सलाम अलैकुम भाई, उन्हें बंगशा एवें खपावी हड़ा बलोचा, ना जावी बई ना जावी। पता ते हुण लगेगा बलोच ने कि हत्थां दियां दित्तियां दंदां ने किवें खोली दियां ने। ओ जे गल ते मेरे पिछे पिछे छत ते आ जा चुदराणीए, पहले मेरी मां दे पैरां च बह के आई सें, अब जेदे पैर चमके इनू अपनी सस मनेगी। ओए मैनू पता सी तुसी आओगे। तेनू किसे घड़ी साड़ी लोड़ पवे ते ओए आवाज जरूर सही, असी केड़ा आ जाने और मैं मर गया। शुरू कर दे ड्यूटी, मैं ना चो एक भी वापस नहीं जान देना। खबर पर पहुंच गया ते तू राज रह जाएगा ड्यूटी, और सानू भी हफ्ते
ਕੜੀਆਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾਵੇ ਜਿੱਤੇ ਓ ਜੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਵੀ ਗਈਆਂ ਬਲੋਚ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁੰਡਾ ਕੌਣ ਖੋਲੇਗਾ ਲੈ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਚੌਧਰਾਣੀ ਜਾ ਭਰਤਪੁਰ ਚਲੀ ਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਡਿਪਟੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਬਲੋਚ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਜਰਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਲੋਚ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਜਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਲੂਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਓਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਾ ਜੱਗੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਏਜੰਟ ਤਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੁੰਭਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੱਗਾ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਬੰਗਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਬਲੋਚ ਤੇ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਲਿਆਓ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬਲੋਚ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਬਲੋਚ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜਰਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਜੱਗਾ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਤੂੰ ਬਲੋਚ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਜ਼ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਏ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਲੋਚ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਗੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਨੀ ਬਲੋਚ ਤੇ ਹਰ ਬਲੋਚਣ ਜੰਮਦੀ ਏ ਪਰ ਜੱਗਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੰਮਦੀ ਏ ਨੀ ਜੱਗਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਤੇ ਲੱਗਾ ਬੰਗਸ਼ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਗੰਦ ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਫਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਸ਼ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨੀ ਬੁਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਵਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨੀ ਬਲੋਚ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੰਗਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬੰਗਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗਾ ਜੱਗਾ ਕਰਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਕਰਦੇ ਬਲੋਚ ਬਸ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਠ ਕਮਾਲ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਦੀ ਸਾਵੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਬੰਗਸ਼ ਮੰਨੇਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰੇ ਤੇ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿ ਜੱਗਾ ਵੀ ਕਮਾਲੇ ਤੇ ਜੱਗਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਮਾਲੇ
ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈ ਬੰਗਸ਼ ਬੰਗਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਲਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾ ਕਬਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੰਗਸ਼ ਕਿ ਸ਼ੇਰਨੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਠ ਚ ਗਿਰ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੰਗਸ਼ ਦਾਦੇ ਪੁੱਲ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਗੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਬ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੋ ਜਾਈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀਦਾਰ ਵੀ ਚੱਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਚੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਾ ਕਰਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਦਾਨ ਲਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਬਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਔਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਤਕਾਮ ਮੇਰੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਬਰਤ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾ ਇਬਰਤ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਕ ਦੇ ਨਪਾਕ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੱਕ ਨੇ ਲਕੀਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਸੀ ਬੋਲੋ ਲੀਲਾ ਮਹਾਮ ਰਸੂ ਲੀਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਜਰ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੂੰਹ ਪਾਰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਡ ਪਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਲੈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚੁੰਮੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢੀ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਚੱਲ ਮੂੰਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰ ਦਿਸਣਗੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਵੀ ਜਾ ਅੱਬਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਹਾਂ
अपना नक मेरी मां की जुत्ती ते रख। अड्डिया चुक चुक के वेखो ते पिंड पिंड जाके दसना कि बंगस दे सफर दा मुकाम कित्थे होया है। तू दहशतगर्दी की इंतहा कर दी है। और कड़े कानून की गल कर रहा, वो कानून जरा 12 साल मेरी मां वाल कंध करके बंगश नु सलाम करता रहा है, और इस कानून नु बंगश की नस्ल मुकान तो पहला अपने प्यू दे पैरों से दफन करांगा। तुसी उठो बंगश साहब, एदे खिलाफ पर्चा कटाओ। जे मैं फांसी के फटे देना पचावा तो मैं इंस्पेक्टर ना कहना। पर्चे हमेशा कमजोर कटवाते ने, और जेल वाला मालुआ सी ते बंगश चासी उदो तक मैं पिंडिया छता ते बैठा रहांगा। तुसी जगह ते सख्त पैर रखो, मैं आईजी साहब नु फोन करना। ओए आईजी नु फोन करी ना करी, पर एदे मालू नु तारा जरूर पाई। जेल तारा ना भी गई हां, देख ला ताला जरूर जाएगा, जरूर जाएगा। सलाम मालू वीर। जिस मालू दी मशूक लई जेल दा वड्डा बुआ खुल जाए, कैदी कंधा ना लग जान, हैरत है ओदी लाड़ो बलोच लै गए। प्राण पुछ तेनू दसे जगे ने यदि लत किवें वड्डी है, ते प्यो नु मुंह पार अपनी मां दी जुती तक किवें लै गया। वेरी गुड यार, वाह। तेरा प्यो जगे दे पिंड छत ते बैठा तेनू डीक रहा मालू। कर रहे हैं मालू? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वेरी गुड यार, वाह। जिलरा हुण कुकु बजा, कार सा बुला, टिकट किते चढ़ा, ते भावे वैल सा खड़का। और मालू सिख जेल दा वड्डा बुआ तोड़ के जा लग गई। और सानू जानते साहब, साडा जिला कोई झगड़ा नहीं। ठीक कहता साहब बहादुर, सारे का पड़िए ना झगड़ा हो भी किवें सकता है। और मैं अख पट्टा ते झगड़ा मार दिया। शट अप, मैं साडे सिर दोहां दे बयान चाहना वा। साडा इक्को ही बयान है साहब, असी बलोच मार देना है। और तो सिर मेरा भी इक्को ही बयान है,
जंज की तरीक लेके ही कर जाना है। मैं बतौर आई जी तुम्हें यह ऑर्डर भी देता हूं और इजाजत दी कि अगर ये तीनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देती तो इन सबको इनके अपने घरों में इलाका पाबंद कर दो। कानून ने तेनों अपने पेंडे च हमेशा ले इलाका पाबंद कर देता है बलोचा। इंज कहो बलोच अपने पिंड पाबंद नहीं होया, तेरा कानून बलोच का पाबंद हो गया। जाए तेरा पिंड पाबंद हो गया जी, तू मेरी छत कदों तक गंद पाने जाते कुछ चल जा। मैं ते कहना टुरी जाओ, बेचारा मुफ्त च कोठे ला ला के थक गया। मैं ते सोचना वा एदी कबर भी मैनू ही कढ़नी पैनी है। तू कबर नहीं कबरा कढ़निया ने कबरा ऐसे लेते भरपूर जान लग्या तेनू ना लेके जाना है। जान पहला बलोच को अपनी लाडो तो लाया बलोच इलाका पाबंद होके पिंड अपना नहीं आला है। ये पैगाम ही जे इज्जत चाहनी है ते जदों मैं पहुंचा तू मेरी मां दे पैर दबांदी होवे। एक पौड़ा कुटते पिए तेनू भरना ही पेगा। नी पैर इंज कुटी देना मेरे वस च होवे ते मैं तेरा पैर वड्या माई। की क्या ही होर की जानदारी मैं कौन हां, कुछ नहीं आने मेनू। अज तेनो सब कुछ सिखा देंगा। बेस जावे ले मैनू कित्थे ले जाने। तो बड़ी कोड़ कुड़ी है इना भी नहीं जानती खामन कुंडी ला के की चाहता। खबरदार जे तू मैं हथ भी लाया दे। सिद्धी हो तेन दसा किस तरह दबाई रह इस तरह लग चुक के कोट च रखी दी इस तरह दबाई रह स्वाद आया कि नहीं। बलोच थाने च ते मैं कार च कल्ला। आज मैं तेरे कोलो बंकश दे एक बेगैरती का बदला लवांगा। बंकश दा दिए ਸਜਾਵਲ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ
जा वापस तुर जा, जंज हुण तेरे पिंड आवेगी। ते फिर कोठे ते बह जा, इस लई जेहड़ी जंज दी तारीख जगे को लैके आएगा ते मां तेरे सामने आएगी, समझ ला के ओरी जिद्द। ते फिर इनू कह तैयारियां शुरू कर दे, या जगा जंज दी तारीख देवेगा या जगे का जनादा जगा जमन वाली दे मोढ़े ते होवेगा। डीएसपी बलोच जग्गे नु कतल करन लई ओदे पिंड वल आ रहा है, तुसी होशियार हो जाओ। पूरे पिंड दी नाकाबंदी कर लो, बलोच जग्गे नु कतल करन लई अंदर ही आ रहा है। ओके सर। ओए मेरे होंदिया, एक और किरली शतीरिया नु जफे किवें पा सकदी है। जाओगे बाबू जी? इतने बस जानी है। ऐ 70 रुपए दे दे। ए 71 रुपए दे। बस चूटे लैन का शौक होवे ते खिसे च पैसे रखी देने। चल चलो सर। शुक्र कर मैं हाले हस रहा, मत्थे ते वट पै गए ते बैठा बैठा मर जाएगा। कल मोटे तो हाथ चुके कर, मैंने बलोच कहने नहीं। बड़ी हिम्मत है तेरी, ना मेरा पैगाम सुन के मोए, ना अपना कफन देख के खुदकुशी कीती हूं। हुन ते मर जा, मेरा ना जग गई। चुकनिया रना ते चुट जगे नाल। ओए खवारा जगा, ते मां दा नक दुश्मन दे पैरां ते। ओए उस मां दा हिसाब किवें लिता है? ऐ पुछ अपनी मां कोलो। उस मां नू तू अज मेरी जंज दी तारीख देनी है जगिया। ओए उस मां ने अज सिर्फ तेरा जनाजा वेख रही। ओए तू ओदे सामने मेरे बाल खड़ाने ने जगया। ओए तेरा असर वेखन तो बाद
बलोचना ने पाल ही कदों जम लिया बलोचना। गर्मी दसती रहेगी कि तू हूं टिक नहीं उठ सकता। आ मेरे लव की खुशबू तेनू कब्रिस्तान पुछा के रहेगी। जरा मैनू दसे के मां का जग्गा तेरे कोई जिंदा है। जे किसे घर लग जांदा ते तेनू दी लाश जेल पहुंच जांदी मालू। मैं जग्गे ते बलोच नूं इस पिंड ते कमाला उहनां नूं पिंड पिंड लगदा फिर रिहा। वेरी गुड यार, वाह। तेरी यारी दा मुल पाना चाहने मालू। अपना वैर साडे मोढ़िया ते रख दे ते मैं अपने मोढ़िया ते बांदरी चुक के फिरना। मैं सिर्फ जग्गे ते बलोच दा पोता चाहिए। वो दोनों इस वेले अस्पताल च ने मालू ते पुलिसां दे पैरे च ने। आपसे दरख्वास्त की थी कि दोनों को अलग अलग कमरे दिए जाएं, मगर आपने डिप्टी साहब इन दोनों ने हमको धमकी दी थी अगर हमारे बेड साथ साथ ना हुए तो अपनी कब्र खुद खोद लेना। ऐसे कि ऐसी कसम खा लेती है ड्यूटी, एथो जिंदा बच के एक की जाएगा ते ओ सिर्फ मैं होवांगा। मैं ए पाया उत्ते जाएगा उत्ते। पंजाब की मिट्टी ने की जोड़ी जमी है। एक ने भरतपुर का बुरज उल्टा दिता, दूसरा मालू की लाडो लै गया। ओ मैं ते कहना सब कुछ ही लै गया। एक गल ते दसो ताडे चो जग्गा कौन है ते बलोच कौन है? तू रिश्ता किनू देना? वेरी गुड यार, वाह। ਉਹ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਟੀਲ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹ
रज रज के खाओ जिन्ना खा सकते हो। हुक्म मेरे आई शहजादे। और तू किधर? मरासी तो नहीं? वेरी गुड यार, वाह। स्वाद आ गया। ओए मैं तानू कहना सना, ये दोवें बड़ी कुत्ते चीज ने। जे तुसी कम ना ना पांदे ते मालूम ने जेल च गल्ला कर करके मैनू जानू ही मार देना सी। किधर मेरा नाम सुन के खौफ नाल पागल तो नहीं हो गया? तेरा नाम? मैनू चक्का कहंदे ने। चक्का तू नहीं? उन कुछ ना पूछ, कुछ ना पूछ। उन्हें तेरे बारे की क्या है? उफ उफ, तोबा तोबा। तेस बलोच दा की हशर करना चाहते है? की हशर करना चाहते है? उन्हें तो अखबार च भी नहीं दिता है कि लाडो दे बदले हर बलोचन चुकांगा। ते तेरी पैनू डॉक्टर इन्हू बेहोशी के टीके ला दो। वेरी गुड यार, वाह वाह वाह। डॉक्टर किन्ने दिन बाद मैदान च आ सकते हैं दोवे? कम से कम 6 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। होश शाम से इन्हों दस दी। मैं 10वें दिन जेल वाला मालू तो नहीं? ए ना पूछ कि मैं कौन हूं। ए दस के तेरे पिंड बच्चा जमन दे काबल कौन कौन है? वे तेनू किधर है? भुलेखा तो नहीं हो गया कि बलोच हस्पताल ही मर गया? ओदी जिंदगी लई ते हर रोज 10 10 10 देखा दितियां ने मैं ओदे इंतजार च। हर तक 103 दर्जे दा तापे मैनू बलोच बलोच बलोच। वेला ही मालू अस्तगफार पर्दा पर्दा।
पिंड की मस्जिद चुर जा। पल चाहो फिर से अपने पिंड का हाल से भी नहीं तो कुछ नहीं हूं बचना। ओए मालू अब्बा की हो गया अब्बा की हो गया अब्बा कर दे अब्बा। ओ ब्रोचे हाले से मंडवा चक्से से पिंड भी लग रहा है। चिल्ला कटिया ते तू अड्डियां चुक चुक के देखती रही। समंदर दी चुप ना वेख मालूम एदे चाण आले तूफान दा सोच। पहले मेरे तूफान दा तौर ते सोच मरेगा। तो सिर्फ है सोच क्या तेरी दीदी इज्जत कौन बचाएगा। मालू ऐसी तीनों छत दल जाकर लुट रहा है। जग्गा ना सही जग्गी सही। वेरी गुड यार वाह देवरानी ते बच गई है। हुण बापू दा की बनेगा ते रन्ना दे सिरां ते इस तरह कंजर कचदे ने तू किन्ना चीदार है एदा पता जगे दे आन से लगेगा। तो शेर नु सद्दे दे
मैं पच पुछ चुके थे बरोश की मार ही नहीं तेनू भी बख्शी चो के ले जाना है तमियार ने ताकि पचपुर पता लगे के पच पुछ बंगश की वापसी किस तरह हुई है। मालू सिख दे पिंड जाने तो जुंदे वापस सिर्फ मैं जाएं तो तू सिर्फ पुट्टे जाएं की किते जैसा जिस मुल्क में हर रोज इंसाफ का खून होता हो वहां एक मुनसिफ का खून हो गया तो क्या हुआ इसका बाप तुम्हारी बहन की इज्जत बचाने गया मगर बंगश ने इसका सारा खानदान मार डाला सोचो तो इसके बाप का ये एहसान तेरी सात नस्लें भी नहीं उतार सकती तुम दोनों को तुम्हारे अच्छे खून का वास्ता है एक हो जाओ वरना सुन में एक बार फिर सीख जाएगा फिर चुक के मेरी भी सुन लो मालू तुहाडे पिंड दी हर जवान कुड़ी नू चुक के परतपुर लै गया तुहाडियां मावां ते भैणां ते की गुजरी है तुसी सुन नहीं सकना ते मैं दस नहीं सकना
बाकी अगे जोगे भरत भी ले आया पर ना जग्गा आया ना बलोच आया। दोनों कड़े पैर च रखाए इन्हों का फैसला मैं जगे से बलोच को कतल करने तो बात करांगा। मेरा बलोच आ रहा बंगश हाली भी वेलाई लाडो देके अपनी नस्ल बचा ले। मेरे जग्गे ने एक एक बंगश मार के अपने मोए हुए प्यो की वसीयत पूरी करनी हूं। बलोच नु परत पुरदा जवाई मन ले नहीं ते कुछ नहीं हो बचना। कुछ देर बाद दोवे थे होंगे अच्छे ओ केड़ी अथे ते केड़ी अथे टोली मलो मालू टिकल लगाई आ
बकरे की मां कदों तक खैर मनाएगी? बोटी आराम करेगी। बस करते मानू, लौटो मेरी भैन, लौटो मेरी भैन। वेरी गुड यार, वाह। दोनों गोली का ऑर्डर करते हैं बंगश। रेडी फॉर शूट। मैंने बेइज्जत भी किया है, औलाद भी इन्हों की छाती है, सुराग मैं आप करूंगा। जाओ, बर्बाद हो गया जैसा सोया है।